आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। भाकियू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के 7 सितंबर के कार्यक्रम के संबंध में चंदेला कोली में मीटिंग आयोजित की गई है। आपको बता दें कि देवबंद क्षेत्र के गांव चंदेला कोली में धीरू प्रधान के आवास पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने मीटिंग कर 7 सितंबर के कार्यक्रम को सफल बनाने एवं किसानों को ज्यादा से ज्यादा भीड़ कार्यक्रम में लाने को कहा है। वहीं मीटिंग में राहुल चौधरी को भी संगठन का पदाधिकारी बनाकर के संगठन की जिम्मेवारी दी गई है और कालू प्रधान और जोगिंदर प्रधान ने नव नियुक्त पदाधिकारी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। तो वहीं मीटिंग में भारी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। वहीं एसके न्यूज से बात करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष विनय कुमार ने कहा है कि गन्ना और विद्युत की समस्या की समीक्षा भी कार्यक्रम में की जाएगी और एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा भी राष्ट्रीय प्रवक्ता इस कार्यक्रम में तैयार करेंगे। वहीं पश्चिम यूपी में बड़े आंदोलन के लिए किसान तैयार रहे। मैं ये 7 तारीख में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जनपद में पधारे गागा लेडी के पास चौरा देव उसकी तैयारी के लिए ही यहाँ सब लोग इकट्ठा होकर के बढ़ चढ़ कर ज़्यादातर वहाँ जाएंगे और जो सरकार की किसान विरोधी नीति हैं उनके विरोध में गन्ना और विद्युत इन समस्याओं की भी समीक्षा करी जाएगी और बड़े आंदोलन की रूपरेखा चौरे में जो है राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत जी तय करेंगे कि बड़ा आंदोलन इसमें पश्चिमी यूपी में तैयार रहे किसान लड़ाई लड़ने के लिए। अभी तक कितने गांव का दौरा किया आपने? अभी भाई मास्टर रघुवीर सिंह हैं जिला प्रवक्ता, हम 50 गांव में जुम्मे रहा, आज में तो हम जा लिए, बाकी सारे जिले में टीम है, हर ब्लाक में अध्यक्ष हैं, तहसील के अध्यक्ष हैं और जिले की कार्यकारिणी है, वो सब अलग अलग अपनी जिम्मेदारी निभाए को सब लोग लगे हुए और ऐतिहासिक पंचायत होगी जो किसी राजनीतिक व्यक्ति पे पंचायत नहीं होती, भारतीय किसान की तो वो पंचायत हो और ये अपने आप में 7 तारीख को लोगों को दिखेगा कि किस तरह की पंचायत हो। पदाधिकारी राहुल को जिम्मेदारी दी गई तहसील की युवा की, तो वो अपना देखेंगे और अपने आगे साथियों की टीम बना के उन्हें जोड़ेंगे। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर देवबंद से हमारे संवाददाता प्रदीप बिरला की रिपोर्ट। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।